वो भी जन्म मरण वाला हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं,
अवयवी होगा कि केवल होगा, जैसे शरीर में दिखाई पड़ता है, ये दुख दोष आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। कल देखिए 137 पेज में टीका की स्मृति को हमने पढ़ ली थी, यदि आत्मनो न इच्छादि गुणवत्तम, यदि आत्मा में आप इच्छादि गुणों को नहीं मानोगे, इच्छादि गुण क्या है, बुद्धि शुभ दुख इच्छा देव धर्म धर्म प्रयत्न संस्कार, ये जो नौ गुण यदि आत्मा को आत्मा का है ये गुण नहीं मानोगे तो क्या रहेगा, दादा तस्य बंध अभाव, क्योंकि तब आत्मा का बंधन ही नहीं होगा, अगर बंधन नहीं होगा तो मुक्ति भी नहीं होगा, जब बंधन नहीं या मुक्ति ना फिर मन शास्त्र के ऊपर भी रह जाएगा, तो शास्त्र को भी क्या रह जाएगा, मुक्ति नहीं है तो बंध मोक्ष व्यवस्था अनुपन्न है, इसलिए बंध मोक्ष की व्यवस्था की युक्तिहीनता के कारण प्रत्येक शरीर में सुख आदि विशिष्ट अलग अलग आत्मा है ऐसा मानना पड़ता है, प्रतिदिन सुख आदि विशिष्ट आत्मभेद शक्ति इस प्रकार संकट करने वाले के प्रति सिद्धांत बोलता है। देखो उसके लिए हमारे मानव के कार्यकाल ने एक श्लोक बनाया है, क्या श्लोक बनाया है, घटाकाशे रजोमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवा सुखादिभिः, अनेक घटाकाश है, आकाश में कोई भिन्नता नहीं है, उपाधि के कारण घटाकाश मठाकाश पटाकाश अलग अलग करके आकाश की प्रकृति होती है, उनमें से किसी एक आकाश में यदि थोड़ा सा आकाश मतलब उस आश्रय में यदि थोड़ा बहुत कमी आ गया, आकाश को ही स्पर्श नहीं करता, उसी आकाश में स्पर्श नहीं करता, अन्य आकाश को कैसे स्पर्श करेगा, ये हमारी उत्तर है, इसीलिए बोलते हैं यथा तो आकाश से अविद्या अध्यारोपित रजो धूम मलादित्वादि दोषवत्त, इस प्रकार आकाश में अज्ञान के कारण आकाश नीला है, आकाश कठोर है, आकाश आज बादल से भरा हुआ है, इस प्रकार का हमने दोष देते तथा उसी प्रकार आत्मा में भी स्वरूप के अज्ञान के कारण आत्मा अविद्या अध्यारोपित बुद्धियादि उपाधि, बुद्धि सबसे पहले अंतकरण उपाधि, फिर उसके बाद इंद्रिया फिर शरीर, इस प्रकार से बुद्धियादि उपाधि के तो बुद्धि के अंतकरण के धर्म है स्वरूप दुख, या जड़ा व्यादि शरीर के धर्म है भूख व्यास प्राण के धर्म से स्वरूप दुख आदि दोष रखते बंध मोक्ष आदि धर्म है व्यवहारिक है ना, बिल जगह बंध मोक्ष व्यवहारिक है, पारमार्थिक है नहीं, बंध मोक्ष आपने कल्पना किया है व्यवहारिक है, इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है, इस भाष्य का मैं पढ़ लीजिए टीका का तो देखिए टीकाकार बोलते हैं यहाँ भी टीका अवस्तुत्वा टीका में लास्ट है अच्छा हुआ था है ना कार्यालय अवस्तुत्वा अविद्या तत्कृत व्यवहार अयोगा ठीक है ना, क्योंकि आपके सिद्धांत के अनुसार अविद्या कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है और फल तो अविद्या से जो व्यवहार होता है कोई पारमार्थिक नहीं है, इसलिए होता है अवस्तुत्वा अविद्या तत्कृत व्यवहार अयोगा व्यावहारिक बंध आदि अभिप्रम अशुद्ध, इसलिए जो आपने कहा कि व्यावहारिक और मैंने बंध मोक्ष होगा ये भी सिद्ध नहीं होता है, कभी कभी परमात्मा है कि जो भी सिद्ध होगा, देखो समस्त वादियों को पूछ करके देखो, चाहे आस्तिक दर्शन हो चाहे नास्तिक दर्शन, सभी वादी के मान्यता यही है कि जो जो व्यक्ति ज्ञान से मुक्ति मानते हैं तो बंधन का कारण क्या होगा, अज्ञान, ज्ञान से मुक्ति मानने वाले जितने वादी हैं चाहे आस्तिक दर्शन को लेकर के हो चाहे नास्तिक दर्शन में, जैनवादी भी ज्ञान से मुक्ति मानते हैं, बौद्धवादी भी ज्ञान से मुक्ति मानते हैं, सभी वादी को पूछ करके देखो व्यवहार की हेतु क्या है, व्यवहार की हेतु है अज्ञान से, अज्ञान से व्यवहार सिद्ध हो जाता है, इसके लिए आपको और हम एक जगह पे नहीं, हमने बंधन से लेकर के जन्म से लेकर के अब तक की मुक्ति का जितना व्यवहार करते सारा अविद्या से होना है कि हमने माना, तो वाली ने बंधन को तो अज्ञान से माना, व्यवहार को सत्य माना, एक जगह पे कुछ एक जगह पे कुछ ऐसा अलग अलग वादी बना, ये तो हम किस एक ही जगह पे खड़ा हो, चाहे बंधन हो चाहे मुक्ति हो चाहे व्यवहार हो सभी के मिलते एक ही जगह अज्ञान, तो पहले बंधन को तो अज्ञान से माना, व्यवहार अज्ञान से नहीं माना, व्यवहार से भेद सत्य ऐसा माना, इसलिए बोलते हैं कि अवस्तुता अविद्या तत्व व्यवहार अभिवार व्यावहारिक बंधन आदि अभ्युपगम अशुद्ध, इसलिए व्यावहारिक बंधन है ये तुम्हारे चेतना तो शुद्ध नहीं हो गया, ऐसा कोई शंका करते हैं ठीक है भाई हमारे लिए शाम तो ये मानती है, तुम भी क्या बोलो, चाहे चारवाक से पूछो चाहे शांत होगा से पूछो,
चाहे नए कुछ शिक्षक से कुछ चाहे चारवा शरीर से भिन्न को जो पुत्र पौत्र भी नाती माँ पैतृ माता है अपने घर में मानता है कि मेरा मेरा पैतृ माता है और शांत वाली बुद्धि में सुख दुख है उसको पुरुष के साथ मिला दिया अज्ञान के कारण इसलिए वहाँ पे सुख दुख है उससे गर्भन के भी मान अज्ञान से मिलाना हो जाता है जो भी यही है और ऐसे नए कुछ ऐसी दर्शन भी ऐसे बोलते हैं अज्ञान के कारण द्रव्य और गुणात्मक द्रव्यों के साथ गुण मिल गया पंक्ति वाला करके ज्ञान ऐसे बोलते हैं तो तुम सभी तो यही बोलते हैं कि अज्ञान से ही व्यवहार होता है अज्ञान से बंधन है व्यवहार भी अज्ञान से ही होता है हम हर चीज अज्ञान से मानते हैं तो केवल बंधन है मानता व्यवहार भी अज्ञान से ही मानते हैं इसलिए बोलते हैं सर्ववादी भी अविद्या के व्यवहार अभ्युगमान समस्त वादियों के द्वारा व्यवहार तो अज्ञान से ही होता है ऐसा ही माना जाता है इसीलिए कुछ हमारे ऊपर अकेला नहीं है और मुक्ति अवस्था में कोई व्यवहार नहीं होता ये भी मानते हैं मुक्ति अवस्था में कोई व्यवहार नहीं होता चार बार शरीर को अपना मानता है ठीक है ना मरने के बाद व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा उसको तो उसके बाद आगे है आगे पीछे तो है नहीं हो गया मुक्त हो गया शरीर गया तो मुक्त हो गया चार बार शरीर करके सभी वादियों ने मुक्ति अवस्था में व्यवहार नहीं मानते ज्ञान से व्यवहार मैं मनुष्य अज्ञान का सबसे बड़ा पहला काम कई व्यक्ति आपसे भी पूछेंगे माना इतना धर्म आचरण करता हूँ इतना मंदिर जाऊँ फिर भी दुख क्यों नहीं है हम उसको क्या समझें कि पहला ही पद गलत हो गया धर्म आचरण करने के लिए तुमने अपने को मनुष्य ब्राह्मण धार्मिक कितना मान्यता दे रहा था और जब तक ये मान्यता तब तक तो कहाँ से मिलेगा अभिद्या के तो मनुष्यत्व आदि पहला ही काम क्या हो गया मनुष्य मनुष्य में रहने वाले धर्म मनुष्यत्व और उसके साथ हमने ना जाने पुरुष ब्राह्मणत्व विद्वान संन्यासी ना जाने और कितना कितना हम लोग एक के बाद एक मंजिल चढ़ाता गया है ना इसे बोलते अविद्या के तो मनुष्यत्वादी अध्यारोपेणा रही लौकिक वैदिक व्यवहार लेकिन इतना निष्पक्ष रूप में लिखते हैं लौकिक व्यवहार भी वैदिक व्यवहार भी सभी अपने को मनुष्य ब्राह्मण ये मान्यता देकर ही होते हैं और यही शास्त्र जो शास्त्र आपको ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य की मान्यता देगा कि कर्मों का विज्ञान क्या वही शास्त्र आगे जाके बोलते हैं कि ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शुद्ध नहीं है तो असंतो पूर्ण ज्ञान जिस वेद में ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शुद्ध को लेकर जो वर्ण और आश्रमणी कर्मों का विभाग किया उसी वेद में तो कोई श्रद्धा आया हुआ इसलिए ना हिंदू उपनिषद में अथोपराजयाक्षर वेद बाहर नहीं है क्योंकि उसके लिए कोई विशेष योग्यता कोई विशेष मानसिकता इसीलिए उसको अलग करते वेद के अंतर पर होते हुए इसलिए आगे बोलते हैं अविद्या के तो मनुष्यत्व आदि अध्यारोपे ना अज्ञान से अपने ही ऊपर में मानो मनुष्य हों ब्राह्मण इस प्रकार कई चीज आरोप करके लौकिक वैदिक व्यवहार लौकिक व्यवहार वैदिक व्यवहार दोनों सर्ववादी भी विश्व के समस्त वादी के तरह यही अविष्ट है तत्वता का व्यवस्था अस्तित्व इसीलिए वो जो लोग अभ्यास करके जो व्यवहार होता है वो अज्ञान के ऊपर आश्रय करके व्यवस्था को भी बनाया गया है व्यवस्था को भी बनाया गया है तथ्य का व्यवस्था अस्तित्व मतलब अज्ञान की जो है उस अज्ञान के जो भेद को अनुमान्यता देख करके व्यवस्था को बनाया गया है एक नंबर की पढ़ने की बोलते हैं व्यवस्था क्या है वसंते ब्राह्मण अग्ने आधीत आतभीत वसंते ब्राह्मण अग्नि आगभीत कृष्णस्व प्रवेश करने के बाद दान कर्तव्य का आदान करना पड़ता है उसके लिए भी निर्दिष्ट समय है ये देखिए बोल रहे हैं वसंते ब्राह्मण वसंत ऋतु में ब्राह्मण को क्योंकि आगे शीता है तो उस समय आपको घर में आग होना चाहिए इसलिए बोलते हैं ब्राह्मण आचार चिंतन के कर्म के लिए आग चाहिए उसको घर में आधान करी थी एवं आदि व्यवस्था यह अभ्युमनीय इस प्रकार के व्यवस्था मतलब एक वर्ण और आश्रम को महत्व देकर के ही समस्त कर्मकर्ता को विधान किया है ये वर्ण और आश्रम किसका धर्म है शरीर है कि ब्राह्मणत्व कहा मन से उसको मान्यता देगा कुछ उसको मान्यता देगी और फिर देखते हैं कि अब गृहस्थाश्रमी गृहस्थ के मन प्रवेश करते हैं कि अपने शरीर शरीर सूक्ष्म शरीर की मान्यता देगी
और इसी को मान्यता देकर सारे लोग की बौद्धिक लौकिक और वैदिक व्यवस्था बनाया गया है। इसलिए आगे बोलते हैं इस प्रकार की जो व्यवस्था कहा गया है इसे लोग बीच में बसंती ब्राह्मण का बुद्धि में रहता है। एक छोटा बच्चा ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो सकता है उसको उपनयन संस्कार की तैयारी नहीं कराया हो फिर भी बोलेगा मैं ब्राह्मण हूँ, उसको ऐसे संस्कार कर जाए ऐसे संस्कार। अब इस व्यक्ति अगर ज्ञान प्राप्त होगा व्यवहार के लिए तो ठीक है ब्राह्मण जरूर चाहिए उसको मर्यादा स्वीकार नहीं करता व्यवहारिक मर्यादा को नष्ट करें, परंतु यही व्यक्ति जब ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा तब क्या करना पड़ेगा कि सारा मान सकूँ बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा कर देना नहीं तो वो नहीं हो सकता। इसीलिए आगे बोलते हैं अविद्या भी तो मनुष्यत्वादी अर्थारोपण लौकिक वैदिक व्यवहार सर्ववादी भी विषय के तत्व व्यवस्था अस्थिर है उस प्रकार की व्यवस्था का मान्य अस्माकमी तथैव सर्वभाव इसीलिए हमारे पक्ष में भी अज्ञान को मान्यता देकर के सारा व्यवस्था बनाया गया है इसलिए कोई विरोध नहीं है। तस्मा दो नंबर टिप्पण है आविद्या के व्यवहार से सर्वसम्मतत्व अविद्या से संबंध रखता है इसलिए आविद्या अविद्या से संबंध रखता है समस्त व्यवहार होता है व्यवहार सर्वसम्मतत्व सभी अज्ञानी जी नहीं समझ पाता है वो तो सोचता है कि मैं विद्वान हूँ मैं ज्ञान से व्यवहार करता हूँ परंतु दार्शनिक लोग को सभी यही मान्यता है तो अभी तक पास करता है कि सर व्यवहार ये सभी के द्वारा सम्मत होने के कारण आप हमारे पक्ष में भी हम नहीं जैसे अभी तक पास करके तुम लोग ने अभी तक वो किसी किसी जगह पे माना हर जगह पे नहीं माना आगे जाके हर क्षेत्र में चाहे शास्त्रीय व्यवहार हो चाहे लौकिक व्यवहार हो चाहे पठन पाठन हो ये भी अज्ञान का ही नहीं माना ये भी अज्ञान का ही नहीं इसलिए इस तस्मात अस्मातम के कथित सर्व अभिवृद्धम की भी अर्थ परमार्थी च मोक्षे केनापि वादिना व्यवहारो नाभिगतम् यते परमार्थी दृष्टि से मोक्ष में किसी भी वादी के द्वारा किसी प्रकार के व्यवहार को नहीं माना गया है व्यापकता में कोई व्यवहार नहीं है परमार्थी से क्या मैं असंग हूँ मैं व्यापक हूँ मैं पूर्ण हूँ पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते आपने पूर्णता के बोध होने के बाद फिर व्यवहार किस पर आत्मानं चेत् विजानीया अयमस्मीति पुरुष किमिच्छं कस्य कामाय शरीरम अनुसंधेरे व्यवहार को किस प्रकार है यदि आपने पूर्णता को जान लिया फिर शरीर के साथ तादात्म्य कर कि मैं यह हूँ फिर व्यवहार कौन करना चाहते इसी के ऊपर पूरा तृप्ति दिन प्रकरण पंचदश में पूरा तृप्ति दिन प्रकरण लगभग 245 वर्ष के ऊपर इतना सुंदर उसको पुस्तक हम विज्ञान मिलेगा केवल इसी ईश्वर के ऊपर आत्मानं चेत् विजानीया तथा जो इसके फलस्वरूप पारमार्थिक दृष्टि में व्यवहार होना संभव नहीं है आप अज्ञान से भेद को मान्यता देकर भी व्यवहार होने के कारण तथा मोक्ष मतलब पारमार्थिक स्थिति में परेशान तीन नंबर की होने वाली नाम किसी भी वादियों का व्यवहार से अभाव समस्त वादियों का व्यवहार के अभाव हो जाने के कारण इस व्यवहार की निर्वाह करने के लिए मतलब तब निर्वाह कर इस व्यवहार को निभाने के लिए पारमार्थिक भेद मतलब भेद पारमार्थिक है ये मानने की आवश्यकता नहीं है पारमार्थिक तो मुक्ति है मुक्ति हमारी पारमार्थिक स्थिति है और भेद अथवा व्यवहार ये अज्ञान से होता है इसलिए बोलते हैं इसलिए पारमार्थिक भेद मानने की आवश्यकता नहीं है व्यवहारिक भेद मानो अज्ञान से उसी से काम चल जाता है इसलिए बोलते हैं कि तथा च मोक्ष परेश व्यवहार से अभाव मोक्ष में किसी भी वादी का व्यवहार की अभाव हो जाने पर तन्निर्वाह का मतलब व्यवहार के निर्वाह करने के लिए चलाने के लिए पारमार्थिक भेद और विभिन्न पारमार्थिक भेद को मानना वृद्धा कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आवश्यकता मान में रखते बोलते हैं परमार्थ अनभ्युपगम ठीक है ना पारमार्थिक किसी से भेद हम नहीं मानते परमार्थ अनभ्युपति कहाँ पे है परमार्थ अनभ्युपगम भाषण में कहाँ पे है सर्ववादी भी अविद्या के तो व्यवहार अभ्युपगमान कमा करते हैं
ठीक है ना, फिर परमार्थ अनुभूत गमार्थ परमार्थ में व्यवहार नहीं होता है। इस कारण से पारमार्थिक सत्य भेद को पारमार्थिक मानने का कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, अभ्युत का मैं वृथा इसकी मान्यता, अभ्युत का मान्यता मान्य मान्यता वृथा ये वस्तुता की मान्यता होती है। अच्छा, यदि कल्पित भेद वशात भी पूर्वोक्त सर्व व्यवहार स्थ सौस्थ्या सुस्थ सुस्थ मतलब स्वस्थ जैसे जैसे होना चाहिए ऐसे सुस्थ, और उसका तथ्य जो का सौस्थ्य अभी उसको वृद्धि हो गया क्षेत्र कल्पित भेद वशात भी काल्पनिक भेद को आश्रय करके भी पूर्वोक्त सर्व व्यवस्था सौस्थ्या जितने सारे व्यवस्था वैदिक अथवा लौकिक व्यवस्था है वो सुस्थ की सुस्थता की भाव को प्राप्त करने के कारण सुस्थता की भाव को प्राप्त करने के कारण ठीक है ना, क्योंकि छोटा शब्द है परंतु अभिप्रेत अर्थ को समझेगा तब लगेगा सुस्थता की जो भाव सस्मिन स्थित स्वस्थ और उसको जो भाव स्वस्थता उसके बाद सौस्था सौस्था तो कल्पित भेद वशात भी पूर्वक सर्व व्यवहार सौस्था पारमार्थिक आत्म भेद कल्पना आत्मा में पारमार्थिक भेद है इस प्रकार की कल्पना प्रमाण प्रयोजन शून्य है ठीक है ना, वो प्रमाण से भी रहता है उसका आवश्यकता भी नहीं है। प्रमाण प्रयोजन शून्य दोनों मतलब वो प्रमाण से भी प्राप्त नहीं होता उसका आवश्यकता भी नहीं है, होगा भी दूसरी काम चलते प्रमाण प्रयोजन शून्य विधि उसमें इस प्रमाण में रहते हुए भगवान मास्टर का आविष्कार को संहार कर तस्मात आत्मभेद परिकल्पना विधेयक तार्किक ही क्रिया थी, इसलिए आत्मा में भेद की परिकल्पना विशेष भविष्य कल्पना अनर्थक ही तार्किकों के द्वारा किया जाता है, इसलिए आत्मभेद परिकल्पना विधेयक है ना मतलब उसके कोई प्रमाण भी नहीं है आवश्यकता भी नहीं, इसलिए अनर्थक ही तार्किकों के द्वारा क्रिया किया जाता है। इस क्रिया किया जाता है आत्मभेद परिकल्पना इस प्रकार से लंबा समय से चल रहा था जब भगवान भाष्यकार कोई एक आदि श्लोक को आश्रय करके अन्नवादी सिद्धांत विचार का भी बड़ा उठा के दिखा दिया, परंतु बाद मानने वाले नहीं थे आसान से छोड़ने वाले नहीं है। देखो तुम्हारा नाम क्या है, राम जी, इसका नाम क्या है कृष्ण जी, नाम अलग है, कहाँ रहे थे ऊपर तो कहाँ रहे थे आपके काम अलग अलग जाने का काम अलग रूप भी अलग अलग है ब्रह्म समझ ये सब अलग अलग आपको दिखाई देगा फिर भी अपन का आत्मा एक है, फिर भी अपन का आत्मा है, इसलिए आत्मा को अलग मानना चाहिए मानना चाहिए। आपकी शंका को लेकर के बोल रहे हैं देखिए कि टीका का अगला श्लोक फिर ऊपर का दिन है अद्वैत स्तुत्यादि विरोध अभाव है, अद्वैत जो है श्रुति के साथ अद्वैत सिद्धांत का विरोध का अभाव होने पर भी श्रुति के साथ अद्वैत सिद्धांत का विरोध का अभाव होने पर भी अनुमान विरोध हम आशंक अनुमान के द्वारा विरोध तो निश्चित है अनुमान से विरोध पारमार्थिक मतलब भेद पारमार्थिक सिद्ध होता है, वो कहता है अनुमान के द्वारा भेद पारमार्थिक का ये सिद्ध हो जाएगा इसलिए तुम्हारे साथ विरोध हो जाएगा। एक चीज है नया और क्या है प्रत्येक प्रमाण की प्रमेय वस्तु प्रत्येक प्रमाण की प्रमेय वस्तु अलग है, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा यदि आपको भेद मिलता है तो प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में और शास्त्र प्रमाण आत्मा को विषय करते हैं, हम आत्मा में अभिन्न होते हैं। तुमने बोला इसकी नाम अलग तो नाम आत्मा की है कि पिंड की है, ठीक है ना, इसकी क्रिया अलग क्रिया आत्मा में है कि पिंड में है, उसकी उपयोगिता अलग उपयोगिता आत्मा में कोई उपयोगिता अनुभविता कुछ नहीं है वो आत्मपिंड में है, इसलिए जिस तीन हेतु के द्वारा आप आत्मा के भेद सिद्ध करना चाहते हो वो तीनों ही आत्मा में नहीं है पिंड में उपाधि में है, इसलिए आत्मा में पारमार्थिक भेद सिद्ध होना संभव नहीं है। इसी के मन में रखिए अगला अनुमान भी देंगे उसका उत्तर भी देंगे संक्षिप्त में विषय वस्तु सामने की एक बार आपने श्रुति में भेद नहीं है श्रुति में ठीक है श्रुति मतलब प्रत्यक्ष को अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है भेद इसलिए उसको मानना चाहिए।
अद्वैत श्रुत्यादि विरोध अद्वैतस्य श्रुत्यादि विरोध अभावे अपि अनुमान विरोधम आशंका अनुमान प्रमाण के द्वारा विरोध प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अनैकांतिक अनुमान दुष्टाश उठा करके पर तो आपका ये अनुमान व्यभिचारी है, आपका ये अनुमान व्यभिचारी है, ठीक है ना। अनुमान आपने आत्मा भेद के लिए बोल रहे हैं, आत्मा की जो है आत्मा की बैठक का शांत अभाव ये जो आप जो भेद दिखाई दे रहा है आत्मा में भेद नहीं है, उस आत्मा आत्मा जहाँ पे से भिन्न शरीर का भी भेद दिखाई पड़ता है वहाँ पर भी ये रहता है मतलब ना अभी भी आत्मा में लिखा रहता है चाहे वो वहाँ पे भेद नहीं है साथ जो अभाव में जो भेद नहीं बैठता तब आपको क्या हो जाएगा आपका अनुमान कहनी चाहिए आपका साथ जो अभाव में जरूरत में यदि आपको धुआं दिखाई दे पर्वत बंधिमान धुआं इसका सब पक्ष क्या है पर्वत वंदिमान धुआं तीन शब्द अनुमान तो न्याय दर्शन में कह सकते हैं पक्ष स्वपक्ष विपक्ष ठीक है ना। पर्वत वंदिमान धुआं में पक्ष हो गया पर्वत सब महानश हो गया स्वपक्ष और विपक्ष हो गया जनरल नदी आदि शब्द आएगा ना तो उसका टेक्निकल क्रम को समझ में आएगा पक्ष क्या है स्वपक्ष क्या है विपक्ष क्या है स्वपक्ष मतलब संदिग्ध साधुवान पक्ष निश्चित साधु निश्चित साधुवान स्वपक्ष असाध्य अभावान विपक्ष ठीक है। मतलब जहाँ पे साध्य को लेकर के जिसको हम प्रमाण करना चाहते हैं उसको लेकर संदेह होता है उसको बोलते हैं पक्ष। जहाँ पे साध्य निश्चय रहता है निश्चित रूप में तो हो गया स्वपक्ष और जहाँ पे साध्य रहता ही नहीं है हो गया विपक्ष ठीक है उसको बोलते विपक्ष। यहाँ पे बोल रही है अद्वैतस्य स्तुत्यादि विरोध अभावे अपि अनुमान विरोधम आशंक अनुमान के साथ आपका विरोध हो जाएगा इस प्रकार शंका उठा करके आपका अनुमान कहनी चाहिए अनेक कहनी चाहिए अनुमान दूषित अनुमान को दूषित करते हैं। श्लोक में आए श्लोक रूप कार्य समाख्याश्च रूप कार्य समाख्याश्च विद्यन्ते तत्र तत्र वै विद्यन्ते तत्र तत्र वै आकाशस्य न भेदो अस्ति आकाशस्य न भेदो अस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः तद्वज्जीवेषु निर्णयः रूपकार्यसमाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै आकाशस्य भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः। पहले कोई पेंटर देखेंगे आप तब ना बोलेंगे उसका क्या नाम नाम जो है यहाँ पे रूप ठीक है करते करते पेंटर दिखाई पड़ता है तब उसके बाद उस रूप की उपयोगिता और उसका नशामक का मतलब नाम रूप कार्य समाख्यस्य मतलब नाम रूप और अर्थ क्रियाकारिता कार्यों का अर्थ क्रियाकारिता घड़ा की एक घड़ा एक नाम है घड़ा की एक कार्य है और उसकी कुछ उपयोगिता है ठीक है ना। घटाकाश घड़ा के अंदर घटाकाश खड़ा लिया घटाकाश एक नाम है उस घटाकाश एक जटिल वस्तु का नाम है उसका एक रूप है बंबू विवाद वाले रूप है और उसकी एक उपयोगिता है क्या उपयोगिता है जल आहरण करने के लिए परंतु कमंडल आकाश करक आकाश कर्क आकाश का मंडल आकाश तो कर्क आकाश क्या होता है वो थोड़ा छोटा उसका भी उपयोगिता है उसमें पानी पीने उसमें तो जल लाने का कर्क से जल लाने का काम करता है मंडल अथवा ग्लास में पानी पीने का काम करता है ना। उसका नाम अलग उसका रूप अलग उसका उपयोगिता अब जो है मथाकाश अथवा गृहकाश कमराकाश कम है गृहकाश उस गृहकाश में उसका नाम अलग उसमें सोने का काम होता है विश्राम करने का काम अलग अलग नाम अलग अलग उपयोगिता नाम रूप उसका रूप अलग थे वो घटाकाश के रूप कम रूप में वाले ग्लास का रूप ऐसा भी अच्छा जैसा और कमरे का रूप कुछ अलग है उसमें
परंतु ये बताओ उस शरीर के अंदर रहने वाला आकाश में भेद है। हम उपाधि के भेद को तो हम स्वीकार नहीं करते, हम तो उपाधि के भेद में जो आकाश है उस आकाश में भेद नहीं है। आकाश से ना भेद वस्तु है ना, घटाकाश कर कमंडल आकाश गृहाकाश। जब आपने ठीक है घट में घट की आकार की भिन्नता है, कमंडल आकार की भिन्नता है, वृद्धि आकार की भिन्नता है, उसको भी अलग अलग है। तो आकाश आकाश पे ही है आकाश तद्वत जीवेश निर्णय कि उसी प्रकार चेतन आत्मा के लिए ऐसे ही निर्णय कर लो। शरीर के माध्यम से आत्मा समझ में आता है, इसीलिए हमको लगते हैं कि शरीर ही आत्मा है, परंतु ऐसी बात नहीं है। आत्मा शरीर से उपाधि से सर्वथा भिन्न है। इस प्रकार से जैसे मतलब दीवार के माध्यम से मठाकाश बनने पर भी आकाश में कभी भी परिचित होता नहीं आया, जैसे यहाँ पे इसकी उपलब्धि का अलग है, मठाकाश बनने इसका नाम अलग है, इसकी व्यवहार अलग है, इसका रूप अलग है। कि घर में कोई खिड़की लगाएंगे नहीं लगाएंगे, घर में कोई खिड़की लगाता कि नहीं लगाता, क्यों? तो पानी निकल जाएगा भाई, खड़ा का काम ही नहीं बन पाए। क्योंकि कमरे में रहने के लिए खिड़की लगाना क्यों कंडीशन से रहने। इस प्रकार से रूप कार्य उसका व्यवहार सब अलग अलग हो जाए, इसलिए परंतु वो उपाधि में है आकाश में नहीं। ठीक इसी प्रकार शरीर और पिंड पंचभूत से बना है, पिंड में उपाधि में भिन्नता है परंतु आत्मा में जो भिन्नता नहीं है। वो अनुमान करके दिखाएंगे कि वो सब व्यवहार अलग अलग होता है, इसलिए आरोप मानना चाहिए। श्लोक व्यावर्तान आशंकां आह। इस श्लोक के द्वारा निराकरण करने जो कुछ शंका है उसको पहले भगवान भाष्कर कहते हैं। श्लोको व्यावर्त्यां आशंकां, श्लोक के द्वारा निराकरण करने युक्त जो शंका उसको भगवान भाष्कर। इस मतलब इस श्लोक को नंदुक कार्यकर किस शंका को निराकरण करने के लिए उसको पहले भगवान भाष्कर क्या बोलते हैं। कथम पुनर आत्मा भेद निमित्त एव व्यवहार एकस्मिन् आत्मनि अविद्या के उपपद्यते। आप एक आत्मा में यद्यपि ना आत्मभेद निमित्त व्यवहार दिखाई पड़ता है, परंतु फिर ये तो बताइए आत्मभेद निमित्त ईव व्यवहार, जिस प्रकार आत्मभेद के निमित्त से ये व्यवहार होता है, एकस्मिन् आत्मनि अविद्या के उपपद्यते। एक ही आत्मा में अविद्या के कारण से व्यवहार कैसे निमित्त संकट हो सकता है। एक ही आत्मा में अविद्या से ये भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार कैसे निमित्त संकट हो सकता है। तो तुम्हें बताओ तुम व्यवहार से क्या ना कहना चाहते। देखो प्रत्येक व्यक्ति का 84 लाख योनि का अलग अलग नाम है, 84 लाख योनियों का अलग अलग रूप है, 84 लाख योनियों का अलग अलग क्रिया है, ये सब जो अलग अलग होता है एक आत्मा से कैसे निर्वाह होगा इसका ये शंका करते हैं। कथम पुनर आत्मभेद निमित्त ईव व्यवहार एक आत्मनि अविद्या के उपपद्यते। एक ही आत्मा में अविद्या के कारण ये निमित्त संकट हो जाता है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन हम टीका कर लिख रहे हैं तथा आत्मभेदवादी तद्भेद निमित्त रूपादि व्यवहार तथा एकस्मिन् एव आत्मनि आत्मैक पक्षे रूपादि भेद व्यवहार न उपपद्यते। जैसे आत्मभेदवादी ने जो मैंने आत्मा में भिन्नता माना उस पक्ष में आत्मभेदवादी तद्भेद निमित्त आत्मा की भेद के निमित्त क्या है, रूप कार्य अर्थ नाम रूप और अर्थ दिया गया। एक चीज ध्यान रखना, इसे इसमें इसमें इसका नाम है, इसका रूप है, इसका अर्थ दिया गया। नाम है तेल, रूप है सिलिंड्रिकल कलर, एंड इसका अर्थ दिया गया था लिखने के काम में। तो हम किसी के साथ इसमें सच्चिदानंद भी है कि नहीं है, क्योंकि तेल है, तेल हमारे सामने स्फुरित हो रहा है और तेल हमको आनंद दे रहा है। एक ही वस्तु में एक साथ नाम रूप अर्थ किया करता और सब चीज आनंद छह वस्तु देखना। अब इस समय क्या है, नाम रूप और अर्थ किया करता के द्वारा सच्चिदानंद यहाँ पे विद्यमान रहना समझ में आने पर भी हम उसको अनदेखा करते
और नाम रूप और अर्थ क्रिया करते हैं मन में। और इस नाम रूप और अर्थ क्रिया करके कि जिस प्रकार इसमें नाम रूप अर्थ क्रिया करता है कि किसी प्रकार इसमें जिसका भी एक नाम है माइक इसका एक रूप है इससे अर्थ क्रिया करते हैं और इसमें सच्चिदानंद भी है। तो भिन्नता कहाँ पर है? नाम रूप और अर्थ क्रिया करते हैं, ये उपाधि में जिससे बना हुआ है उससे है, परंतु सच्चिदानंद में भिन्नता नहीं है। ये है ये प्रकृति हो जाएगी तो हमारे लिए आनंददायक है, वो भिन्नता नहीं है। इस जगह को वो समझ नहीं पाए जहाँ की जिस निमित्त से दाग अथवा जहाँ पे भिन्नता है उसको वहाँ पे मानना, जिससे ये चीज बना हुआ है, जिससे ये चीज बना हुआ पंच महाभूत पे वो भिन्न है, परंतु पंच महाभूत की अधिष्ठान जिसके ऊपर ये दिखाई पड़ता है वो भिन्न नहीं है, वो एक ही है। अब उसमें एक बोलते हैं उपाधि में भेद, उपाधि को हम एक नहीं बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जता आत्म भेदवाद है। जैसा आत्मा की भिन्न मानने वाले वादियों के पक्ष में तब भेद निमित्त आत्मा की भेद के निमित्त क्या है रूपादि व्यवहार, इधर आत्मा को बोल के निर्गुण निराकार निरूप बोलेगा रूपादि व्यवहार बोलेगा, यदि हम देखा तो रूपादि व्यवहार तथा एकस्मिन् एव आत्मनि आत्म एक पक्ष, जिस प्रकार अलग भेद बाद में रूपादि व्यवहार सिद्ध हो जाता है उसी प्रकार से एकस्मिन् एव आत्मनि आप एक ही आत्मा पक्ष में आत्मा एक पक्ष में आत्मा एक पक्ष में रूपादि व्यवहार उस प्रकार से रूपादि का व्यवहार युक्ति संगत नहीं होता ना हो सकते है ना, ऐसा हो कहना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए छह नंबर की टिप्पणी दी जाती है, ये रूपादि व्यवहार चार नंबर तो मैंने पढ़ लिया था ना सॉरी चार नंबर हाँ स्तुत्यादि विरोध अभाव अपि अनुमान विरोध ठीक है ना, ये दो चार और पाँच शुद्ध है। तत्र भेदानां तात्विकत्व अनपेक्षणा मतलब वहाँ पे श्रुति में भेद में तात्विकता की अपेक्षा नहीं रखने के कारण हाँ कल तक क्या लिखे आगे पढ़ो कल्पितत्वम् आदाय अब यानी कि एक निरोकार आकार की मात्रा के सहित चाहिए कल्पितत्तम आदाय अपि तो वहाँ पे क्या लिखा है कल्पितत्तम लिखा है आदा लिखा है ये अकार नहीं है वहाँ पे तो आदाय अब अपि का अकार जुड़ करके क्या हो जाएगा आदाय एक यकार आकार की मात्रा के साथ चाहिए वहाँ पे कहाँ पे लिखेंगे कल्पितत्तम फिर आकार की मात्रा फिर दा की है उसके बाद दा के बाद लीजिए कल्पितत्व को ग्रहण करने के पर भी सिद्ध हो जाता कल्पित भेद से सिद्ध हो जाता ठीक है मिला संशोधन करके सभी पुस्तक को संशोधन करते जहाँ पे दिखाया ठीक है कि तत्र भेदे भेदानां मतलब श्रुति वर्ग में भेदों का तात्विकत्व अपेक्षा भेद की तात्विकता की अपेक्षा नहीं है व्यवहार के लिए व्यवहार के लिए भेद की तात्विकता की अपेक्षा नहीं है क्योंकि भेद व्यवहार भी कल्पित है इसलिए भेद भी कल्पित है व्यवहार के भेद कल्पितत्व आदाय अपि कल्पितत्व को ग्रहण करने पर भी इस प्रकार व्यवहार सिद्ध हो जाने पर भी आपके श्रुति में क्या लिखा है जीवान उत्पत्ति प्रलय प्रतिपादक श्रुति है ना वहाँ पे देखो क्या बोलना है जब सुलिप्ता विस्फोटिका शास्त्रिप्रकाश वहाँ पे जीव की उत्पत्ति कहा गया है जीवान उत्पत्ति प्रलय प्रतिपादक श्रुति अत्र ग्राह्या वो ग्राह्य और आदि ना आदि शब्द के द्वारा सुख दुख आदि व्यवस्था अति ग्राह्य इति भाव वहाँ पे लिखा है ना अद्वैत श्रुति आदि अद्वैत श्रुति मतलब जीव की उत्पत्ति और प्रलय को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियाँ आदि पद से क्या लेंगे सुख दुख आदि मान जो जीव को देखना चाहता है इन सभी जो है कल्पित व्यवहारिक कल्पित भेद को लेकर के व्यवहार सिद्ध हो जाने के कारण इसके पारमार्थिक मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारा के सारा व्यवहार कल्पित बिना क्षेत्र सारा के सारा व्यवहार कल्पित है। इन पांच नंबर टिप्पणी अनुमान विरोधम आशंक अनुमान विरोधम अनुमानस तात्विक भेद अवगाहिता अनुमान क्या करता है तात्विक भेद को दिखाता है उसमें रुपये रखते हैं भाव इसका अंदर भाव है। अब छह नंबर के ऊपर क्या बोलता है रूपादि व्यवहार एक और कृष्ण इत्यादि रूप व्यवहार
ये दो पैर वाला, ये चार पैर वाला, ये पंखुड़ी वाला, ये सब रूप आदि के क्रम है। आदि ना, आदि के तरह क्या हो जाएगा, पाचक, पाठक, गायक, नायक, ये सब व्यवहार अलग अलग। कोई खाना बनाता है, कोई नाना गाता है, कोई पकता है, इस प्रकार के पाचक पाठक के कार्य हो गया, कार्य व्यवहार, ठीक है ना। और देवदत्त जगदत्त की समाख्या व्यवहार से रूप ना रूप कार्य समाख्या तीन बना भी रूप हो गया गौर कृष्णादि रूप, और तुम्हारा कार्य हो गया पाचक पाठक इत्यादि कार्य व्यवहार, और समाख्या हो गया देवदत्त जगदत्त है ना विष्णुदत्त, इस प्रकार की समाख्या, इस प्रकार की इत्यादि समाख्या व्यवहार से यहाँ पे ग्रहण करना। यहाँ पे क्या कहना चाहता है, ये सब पारमार्थिक है ऐसा वो कहना चाहता है, जो अनुमान दे रहे अपनी कामना में। तथा च विमता जीवा, किसको लेकर विवाद चल रहा है, जीव को लेकर, वो भिन्न भेद भिन्न भिन्न है कि अभिन्न एक है कि अभिन्न उनको लेकर विमता जीवा तत्व तो भिन्न जनते हो गया, तात्विक दृष्टि से वो भिन्न है। विमता जीवा विवादास्पद जीव ये हो गया पक्ष, तत्व भिद्यन्ते उसमें तात्विक भिन्नता विद्यमान है, क्यों, ये हो गया पक्ष और ये हो गया शब्द है ना, ये हो गया प्रतिज्ञा वाक्य। विमता जीवा तत्व भिद्यन्ते विवादास्पद जीव ये हो गया पक्ष और तात्विक दृष्टि से भिन्न ये हो गया शब्द, दोनों मिल करके जब आपको प्रकट उसको प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा पुष्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेतु पहला हेतु भिन्न नाम तत्वात् अलग अलग नाम वाला होने के कारण, ठीक है, फिर भिन्न कार्य करत्वात् अलग अलग सभी से अलग अलग क्रिया होने के कारण, भिन्न रूपत्वात् अलग अलग रूप होने के कारण, दृष्टांत तो क्या दिया, घटपटाधिपत घट का, घट का नाम अलग पट का नाम अलग, घट का रूप अलग पट का रूप अलग, घट का क्रिया अलग पट का क्रिया अलग, ये तो दृष्टांत में आपका हेतु सारा बैठ जाएगा, दृष्टांत में हेतु बैठ जाएगा। और विवादास्पद जो जीव है, प्रत्येक जीव का रूप भी अलग है, प्रत्येक जीव का क्रिया भी अलग है, और प्रत्येक जीव का नाम भी अलग है, देवता से लेकर चौरस में जो में सब अलग अलग नाम है, इसीलिए जीव अलग अलग भिन्न काम करिए तात्विक भेद है वहाँ, ठीक है, पूर्ववादी अनुमान है सिद्धांत अनुमान है। तथा विमता जीवा विवादास्पद जीव जिसको लेकर के हमारा विवाद चल रहा है उसमें भेद तात्विक है, तब तक तो भिन्न जो पारमार्थिक दृष्टि से भेद विद्यमान है, क्यों, अलग अलग नाम वाला होने के कारण, अलग अलग कार्य करने के कारण, अलग अलग रूप होने के कारण, जैसा घटपट में है घटपटाधिपत ऐसा मत नहीं, तो घटपट के दृष्टांत में तीन हेतु बैठ जाएगा, नाम भी अलग कार्य भी अलग कार्य रूप भी अलग, इसलिए घट और घटपट से भिन्न है। इसी प्रकार पशु और मनुष्य, हम तो मनुष्य में एक आत्मा समझना चाहते, पशु में जोड़ी आत्मा कैसे समझना है, चाहे नाम रूप क्रिया अलग अलग मैं आत्मा दे दी, इसलिए बोलता है घट अटा दे जीवन का जीवा तब तक तो जीवन का देश बोल रहा है मानना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पक्ष में जब आप इसको बैठे कि पक्ष में देखो भिन्न नाम भी पत्रों दिखाई पड़ता है, अब जीव में भिन्न कार्यत्व भी दिखाई पड़ता है, अलग अलग जीव का अलग अलग रूप भी दिखाई पड़ता है, पूर्वा दिखा हम, इसलिए जीव में तात्विक भेद होना चाहिए। आप जीव किसको शरीर अभिमान वाला चेतन, ठीक है ना, चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देहश्च जम्बुन यद छाया लिंग देहश्च तत् संघ जीव उच्यते, मतलब हमारे ये शायद पंचदश में आया हुआ है, वहाँ का आया नहीं आया, चैतन्यम यद अधिष्ठान चेतन पूर्व चेतन अधिष्ठान, और उसमें चैतन्य अधिष्ठान लिंग देहश्च जम्बुन सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर में उसी चेतन की छाया इन पूरा को मिला करके जीव कहा जाता है। दृष्टांत आकाश, आकाश में घड़ा, घड़ा में पानी, उस पानी में उसी आकाश की प्रतिबिंब, जिस आकाश के ऊपर घड़ा स्थित है उसी आकाश की प्रतिबिंब, ये इस श्रद्धा को इस पूरा इसको मिल करके तत्संग जीव उच्चते इसको जीव कहा जाता है। चैतन्य जब अधिष्ठान लिंग देहश्च जम्बुन और तत्छाया लिंग देहस्थ तत्संग जीव उच्चते चित छाया लिंग देहस्थ तत्संग जीव उच्चते
जिस समय देखो, जिस समय आपने घरा में आकाश की प्रकृति को देखा, उसी समय उसी आकाश पूर्ण रूप में रखा। जिस पानी में प्रकृति को देखा वहाँ भी आकाश है, जिस घरा के बैरियर में वो पानी है उस घरा के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है, आकाश के भी प्रकार। तो मतलब अंतकरण उपरीत चेतन, अंतकरण अभिमानी चेतन, शरीर के अंदर अंत, घरा के स्थान में शरीर, जल के स्थान में अंतकरण, और पूर्ण व्यापक चेतन जिसको शरीर दिखाई पड़ रहा है उसी में उसी चेतन की प्रति वहाँ भी उपाधि में भिन्नता होने पर भी आकाश में भिन्नता नहीं है, कि किसी प्रकार उपाधि में भिन्नता, उपाधि में अर्थ किया करते, उपाधि का रूप, उपाधि का नाम, उपाधि का अर्थ करते भिन्न होने पर भी उच्चेतन का भिन्नता नहीं है। आकाश में जैसे विचार करते हैं इसी प्रकार आत्मा में भी ये लागू नहीं है। इसको मन में रखते हुए तो क्या उच्चते सुनो, हमारे इस प्रश्न का उत्तर सुनो, तुम्हारी शंका का निराकरण सुनो। उच्चते यथा इह, जैसे यहाँ पे व्यवहार में एकस्मिन् आकाशे सति, आकाश एक होते हुए हमने आकाशे पढ़ लिया, आकाशे एकस्मिन्, तो वहाँ पे आकाश पढ़ना ठीक रहेगा कि आकाशे पढ़ना ठीक रहेगा? तो पढ़ सकते हैं, क्यों पढ़ेंगे हम उसके पीछे कर दिया तो आकाश से कहेंगे अब तो आकाश दोनों अवस्था में देखा तो यही रहेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे कौन सा पढ़ना युक्ति संगत, कौन सा अर्थ करना, कौन युक्ति, कैसे निर्णय करेगा? एकस्मिन आगे, हाँ आगे क्या लिखा है एकस्मिन, मैं ये बोला किसी पद का क्या अर्थ है वहाँ पे, कैसे करेंगे आगे किसी का पद को लिखिए। एकस्मिन कौन सा विभक्ति है? सप्तमी, इसलिए आकाश में सप्तमी, इसलिए आकाश ही चाहिए। मैं हम वहाँ पे अपनी जबरदस्ती कुछ नहीं, ये भी पढ़ सकते वो भी पढ़ सकते, ये नहीं है, एक ही पढ़ना है आपको, क्यों पढ़ना है उसको, उसके पीछे देखिए उसका आगे पीछे क्या पढ़ना है। यह वो भी सप्तमी एक वचन है, आकाश से एकस्मिन ये तीनों सप्तमी एक वचन है ना, तीनों शब्द से सप्तमी अपने हो जाता है, तब भी आएगा यह आकाश एकस्मिन आकाश। इस प्रकार यहाँ पे एक आकाश में घट करक अपवर्ग आदि आकाशानाम अल्पत्र महत्व आदि रूपाणी विद्यन्ते। दृष्टांत को समझने के लिए से एक ही आकाश है, परंतु एक घटाकाश, एक करक आकाश, एक अपवर्ग आकाश, एक घटाकाश कमंडल आकाश और आपका अपवर्ग गृह आकाश, ठीक है? आकाश एक ही है, घट आकाश करक मतलब कमंडल, अपवर्ग मतलब मठ, देखो एक नंबर के पेपर में लिखा है वहाँ पे, ठीक है ना, मठाकाश मतलब गृहाकाश। तो ये तीनों का आकाश का अल्पत्व महत्व आदि रूपान, एक छोटा है, एक और भी छोटा है, और एक बड़ा रूप, एक रूप और उसका कार्य, उसका कार्य का ये रूप में भिन्नता हुआ ना, पहले पहले मूल श्लोक में क्या रूप, उसके बाद क्या कार्य, तथा कार्य घट का कार्य क्या है, उदक आहरण, ठीक है ना, घट का कार्य क्या है, जल लाना, ठीक है। अब उसको करक आकाश के कार्य क्या है, जल पीने के लिए, धारण करने के लिए, और आपका मठाकाश में काम क्या है, शयन है ना, वहाँ पर सूर्य विश्राम करते हैं आदि, इस प्रकार से इसका कार्य। और समाख्या, समाख्या मतलब नाम, घटाकाश करक आकाश मठाकाश, इस प्रकार से घटाकाश करक आकाश इत्यादि। तो रूप नाम समाख्याश्च, अलग अलग रूप, अलग अलग नाम, अलग अलग अर्थ क्रिया करते, ठीक है ना,
तीन आकाश तीन घट की एक प्रकार की रूप, अमंडल की एक प्रकार की रूप और घर गृहकाश एक प्रकार की रूप। तीनों का काम भी भिन्न था, नाम भी भिन्न था, उपलब्धि का भिन्न। इसलिए वो कहते नाम रूप और कार्य भिन्न कर रहे। इसलिए बोलते एक बोला यहाँ पे कर्म अपवर्गादि आकाश नाम अल्पत्व महत्व आदि रूपाणी भिन्न थे तथा कार्य उनका कार्य भिन्न था। उदक अहरण धारण शयनादि कार्य में भिन्न था। समाख्यस्य नाम में लिखा था आकाश कारक आकाश इत्यादि तत्कृतस्य भिन्न दृश्यन्ते। ये नाम रूप और अर्थ क्रियाकारिता के कारण आकाश में भिन्नता की प्रतीति होती है। नाम रूप और अर्थ क्रियाकारिता के कारण तत्कृता, तत्कृता मतलब वो तत्कृता मतलब विकल्पित घटाकाश में जो नाम रूप की भिन्नता के कारण वहाँ के भिन्न दृश्यन्ते भिन्न दिखाई पड़ते। ये भाष्य में चलते हैं तत्र तत्र वही व्यवहार विषय उस व्यवहार के विषय में पूर्व में देखो रूप कार्य समाकाश्च भिद्यन्ते। तो नाम रूप और अर्थ क्रियाकारिता में उपाधि के भिन्नता से भेद की प्रतीति होती है। और तत्र तत्र वही व्यवहार विषय तत्र तत्र वही मतलब इसका अर्थ क्या कर दिया उस व्यवहार के विषय में उस व्यवहार के विषय में घट से पानी लाने की व्यवहार, ग्लास में पानी पीने की व्यवहार और मठा काश में सोने की व्यवहार उस व्यवहार के विषय में वो अलग अलग नाम रूप और अर्थ दिया था। उसके भिन्नता सिद्ध होता है। सर्व अयम आकाश में रूपादि भेद व्यवहार न परमात्मा। ये आकाश में जो व्यवहार हो रहा है ये रूपादि भेद से ये व्यवहार होता है। हम पारमार्थिक आकाश में भेद नहीं है घट, क्योंकि आप घटाकाश में जाके नहीं सो सकते हैं, मठाकाश में सो सकते हैं। घरा से भी ऊर्जा पानी नहीं पीता, ग्लास में पानी पीता। इसीलिए आगे बोलते हैं सर्व अयम आकाश रूपादि भेद रूपादि रूप नाम और अर्थ क्रिया का उपयोगिता के भिन्नता के कारण व्यवहार में भिन्नता होता है। परमात्म की दृष्टि में आकाश में कोई भिन्नता नहीं है। यहाँ पे देखिए तत्र तत्र वही के ऊपर व्यवहार विषय दो नंबर के बने में व्यवहार विषय घटेना जल आहर करके जलम धारय मठे शेष्व इत्यादि एकमादि व्यवहार घट के द्वारा जल की आहरण करो, फिर करक में जल की धारण करो, पियो और मठ में जाके शयन करो, है ना। घट से पानी लाओ, गिलास में पानी पियो और कमरे में जाके सो लो। इत्यादि व्यवहार व्यवहार होते हैं। इसलिए तत्र तत्र वही व्यवहार विषय मतलब व्यवहार भेद उसके पर व्यवहारिक विषय में भेद दिखाई पड़ते हैं, आकाश में भेद नहीं है। सर्व अयम आकाश रूपादि भेद व्यवहार होना परमात्मा रूपादि भेद के व्यवहार भेद परमात्मिक भेद नहीं है। परमार्थकस्तु आकाश से न भेद अस्ति परमात्मिक दृष्टि से आकाश में कोई भिन्नता नहीं है। जैसे ये दृष्टांत तो है उसी प्रकार द्रष्टांत तो आत्मा में आकाश से भी सूक्ष्म वस्तु आत्मा है उसमें भी ऐसे समझना चाहिए। परमात्म तो स्तु आकाश से न भेद अस्ति न च आकाश भेद निमित्त व्यवहार अस्ति अंतरेण पर उपाधि होता। आकाश की भेद के निमित्त पर मतलब उपाधि के भेद के द्वारा उसका व्यवहार में भेद होता है। उपाधि अगर हटा दो तो व्यवहार की प्रकार उपाधि का भेद निमित्त से व्यवहार हो रहा है। व्यवहार में जो भिन्नता दिखाई पड़ रहा है किसके लिए उपाधि की भेद के कारण, आकाश की भेद के कारण। इसके बोलते हैं अंतर है पर उपाधि के कारण। यहाँ पे देखो पर उपाधि उपाधि निर्णय निश्चय इस प्रकार से एक बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा ऐसा निश्चय किया गया, ऐसा निरूपण करके लिखा गया है कि आत्मा में भेद नहीं है, बस केवल आपके उपाधि के भेद के कारण व्यवहार अलग अलग होता है ना। अलग अलग जीव से अलग अलग प्रकार व्यवहार, अलग अलग नाम, अलग अलग
रूप, सबकी अलग अलग रूप, अलग अलग नाम, अलग अलग आकृतियाँ, ये केवल वस्तु उपाधि देने के कारण वस्तु वास्तविक चेतन में कोई भिन्नता नहीं है। स्वान्तमोहान्धकारो प्राप्तिरग्रायमोघादौ पावनीयो पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छति पूर्णस्य पूर्णम्।